बहुत पहले गाना आया था, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, शब्दों का कोई नाम न दो, लेकिन अल्फाज का नाम दिया जा सकता है। अल्फाज कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये नाम सच में मतलब बोलने में रोमांटिक लगता है, अल्फाज। आपको रोमांस हुआ या नहीं फिर फाइनली इनसे? नहीं, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी ना। हाय हाय, ऐसा क्यों? ऐसे फाइनली यू कुड यू फॉल इन लव विद हर? बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है, आज के जमाने में ये व्हाट्सएप वाला प्यार हो रहा था। आप इनको कोई भी देखेगा, जो भी देखेगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो प्यार नहीं होगा। ये ठीक है दिखने में, प्यार करने में ठीक है ये? लुक एट हिम, यू लव्ड हर, लव्ड हिम। Of course, we've become really good friends. We are bonding a lot over all these promos. मूवी में क्योंकि हम बहुत कम अरसा हम मिले एक दूसरे से, इनफैक्ट हालांकि ऐसा भी बोला जा सकता है मिले ही नहीं, पर एक बार मिले, और वो भी वो जो हमारा सीक्वेंस है उसके लिए, उससे पहले हमने सिर्फ वर्कशॉप्स में एक दूसरे से बात की थी व्हाट्सएप पे, तो सारा कुछ ऑर्गेनिकली हुआ। तो अब जाके सारा, जब शूट ख़त्म हो चुका है, प्रमोशन शुरू हुई है, तो अब जाके हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं और जान बॉन्ड कर रहे हैं, yeah. तो वो बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि इट्स फन। मुझे इनफैक्ट पढ़ते हुए आ रही थी, तब मुझे मालूम पड़ा कि ऑनर ने आपको मिलने भी नहीं दिया था। बहुत बहुत हमें जेल में बंद रखा था। नहीं, उनका ये मानना है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन द सेंस कि वो सीन और वो सारी फीलिंग और इमोशन बहुत ऑर्गेनिकली बाहर आए, कि हमें हम मिले नहीं, हमने वर्कशॉप्स फ़ोन पे की, हमने वर्कशॉप बातें टेक्स्ट पे की, और उतनी ही की जितनी मूवी के लिए रिक्वायर्ड थी। हमने उससे ज़्यादा ही शायद एक बार इनका शॉट डिले हो रहा था, और मैं रात को जाग के इनको क्यूज़ देता था, क्योंकि मेरा जब इनका शूट चल रहा था तो मेरा नहीं चल रहा था, तो मैं कैलकटा में ही था ताकि इनको क्यूज मिल सकें, और उसके बाद ये मुझे क्यूज देती थी। एंड शी वाज ऑफ, शी वाज ऑन अ वेकेशन, बट इवन देन शी वुड गिव मी क्यूज मिलने के बाद। तो मुझे इतना याद है कि एक बार मेरे ख्याल देर हो गई थी शूट में, हाँ, बहुत, और शॉट डिले हो रहा था, और आई सेड समथिंग उससे रिलेटेड, एंड शी वेरी कॉयली रिप्लाइड अ लिटिल लाइन, और उसके अलावा हमने कोई बात नहीं की है। बहुत शरीफ बच्चे हैं हम, और हमने मूवी में भी बड़े शरीफों की तरह काम किया। अच्छा, आप इसमें बहुत अलग सा कुछ काम करें, आपका किरदार थोड़ा उस बारे में बताइए, क्या काम करती है वो भी मुझे बताइए। वो एक मीम आर्टिस्ट है, तो होता क्या है ये, जो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब में वो छोटे मीम्स जो मिलते हैं, देर इज समवन हु इज सिटिंग देयर एंड मेकिंग दोज मीम्स, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है ये मीम्स, तो वो बनाती है और भेजती है, वो आई मीन दैट्स हर जॉब, वो स्केच करती है, शी स्केचेस वेरी वेल एंड शी मेक्स ऑल ऑफ दैट। आपको पसंद है स्केचिंग करना या मीम बनाना है? आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन मुझे आता नहीं, आई मीन जब मैं एप्पल बनाने की कोशिश करना तो वो मैंगो बन जाता है, आई एम सो बैड। अच्छा, आप सिक्किम की शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो इतने बड़े लेवल पर आ रही हैं। यार सिक्किम बहुत सुंदर है यार, तुम मिस नहीं करते हो? ऑफ कोर्स, मैं अभी ये जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद चली जाऊंगी घर। इस खुश की सब्जियां कितनी खाती हैं? आई लव इसको, आई लव इसको, या इन मेक्सिको दे मेक इवन बेटर डिशेस विद द स्क्वाश, दैट काइंड ऑफ स्क्वाश। You don't like? अच्छा, सिक्किम की कोई खूबसूरती बताइए। The mountains? यार सिक्किम की खूबसूरती है यार, no doubts. The mountains. Like, but he's from Kashmir, so he's like not impressed. Of course. पता है ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ गवाना है? Absolutely. और poems भी बहुत अच्छे। एक वैलेंटाइंस डे के समय पे अगर ये रिलीज हो रही है तो ये आपका फर्ज बनता है अल्फाज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फर्ज बनता है। कौन सा गाना सुनेंगे? पहला नशा? हाँ हाँ, यस यस, पहला नशा। यू वांट डांस? यू कैन डांस। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या कहूं क्या नहीं। टन टन, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता।
कितनी लड़कियां अभी तक आप एक्चुअली इंप्रेस कर चुके हैं? बहुत सारे. आई मीन वी वर, अभी हम एक प्रोमोस कर रहे थे, वी वर इन दिल्ली एंड लाइक वी बीन गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, वहां पे सारे लड़कियां लाइक ऊह, बट आई कैन अंडरस्टैंड. लिसन टू हिम, जस्ट हियर हिम स्पीक. अब नंबर तो बता दो यार. 10, 15, 20, 25, 100, 150, 500 ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत शर्मा रहे हैं जी. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसी. अच्छा, मैंने नंबर गिनना ही बंद कर दिया. ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं. अच्छा, वैलेंटाइंस डे कुछ याद है, कुछ किया? मैं हर दिन मोहब्बत को सेलिब्रेट करने वाला इंसान हूँ. मैं खुद भी बड़ा रोमांटिक इंसान हूँ. कुछ तो इस बार तो वैलेंटाइंस डे पे इट्स ऑल अबाउट गोइंग एंड वाचिंग. इस बार की तो मैं नहीं बात कर रही ना, मैं बचपन की बात कर रही हूँ, आपके यंग एकदम जब कॉलेज टाइम की. वैलेंटाइंस डे पे ऐसे तो कुछ खास हुआ नहीं. विंटर वेकेशन होती थी कश्मीर में, घर में बंद होते थे, बर्फ पड़ रही होती थी या और बर्फ पड़ रही होती थी तो हम स्नोमैन बनाते थे वैलेंटाइंस डे के दिन. मैं तो स्नोमैन के आसपास कुछ ऐसा रेड से किसी को इंप्रेस, स्नोमैन से रोमांस कर लेता था मैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव सम ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ वैलेंटाइंस डे. एंड एक दिन अनइंटेंशनली मैं अपने ट्यूशन सेंटर में रेड पहन के चला गया था. सो एवरीबॉडी वाज लाइक, अच्छा, वैलेंटाइंस डे के दिन. बट या, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू सेलिब्रेट लव. एंड दिस टाइम यू गेट, यू विल गो एंड सेलिब्रेट लव विद अ मूवी कुछ भी के अल्फाज एंड फॉल इन लव अगेन. ओके, एंड आपकी कुछ याद है? वी वर लाइक अ बंच ऑफ गर्ल्स, लाइक तीन चार पांच लड़कियां होती थी हम लोग. और वैलेंटाइंस डे वी यूज टू जस्ट हैंग आउट टुगेदर लाइक अ बंच ऑफ गर्ल्स. लाइक वी हैड सो मच फन, लाइक सो मच मस्ती वी यूज टू डू, लाइक बंक स्कूल और लाइक यू नो लाइक स्लाइली गेट आउट ऑफ द हाउस. बट यूज बी लाइक गर्ल्स फन काइंड ऑफ थिंग, लाइक फ्रेंड्स लव. आई डोंट केयर फॉर हूज़ कॉल. आई थिंक वैलेंटाइंस डे वी कैन सेलिब्रेट एनी सॉर्ट ऑफ. एक्जेक्टली, इट्स अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लव. I think you can take your parents out for the movie. Of course, and your friends. Your grandparents. Your, yes, yes, everything. Abhi har cheez Valentine's Day ki kuch bhi ke alfaz hai. Abhi, to, but it celebrates all sorts of love. Things, whoever you love, whoever you have affection for, it can be anybody. On Valentine's Day, you can go and express it to them. Thank you so much.